हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अरहेनियस समीकरण, या फिर इसी टॉपिक को आप नाम दे सकते हैं दर नियतांक का ताप पर निर्भरता, यानी दर नियतांक का ताप पर निर्भरता या अरहेनियस समीकरण। इस दोनों टॉपिक को एक साथ सम्मिलित करते हुए यहाँ पर फुल क्लास लेक्चर दिया जा रहा है। आप अच्छे से ध्यान से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो पिछले क्लास में स्टूडेंट आपको संक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, इन सभी के कॉन्सेप्ट को, विचार को हमने समझाया और ग्राफिकल डिस्कशन भी दिया, ग्राफ के आधार पर भी समझाया संक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, इन सभी के कॉन्सेप्ट को। अब उससे आगे और साथ साथ टक्कर के सिद्धांत को भी हमने बतलाया। तो आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा जब आपको लगे कि नहीं ये बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ये चैनल, तो आप जरूर हेल्प कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बिना आपके मदद के कुछ भी संभव नहीं है। तो देखा जाए अरहेनियस समीकरण, अरहेनियस समीकरण स्टार्ट करने से पहले आपको टक्कर के सिद्धांत का दो स्टेटमेंट समझाते हैं। टक्कर का सिद्धांत कहता है स्टूडेंट की अभिक्रिया की दर यानी कि रेट जो होता है दो चीज के समानुपाती होता है, यानी अभिक्रिया की जो दर होती है, दर ये अलग से थोड़ा हम बता रहे स्टूडेंट, अभिक्रिया की दर दो टर्म के समानुपाती होती है। पहला, अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों के, प्रभावी टक्करों की संख्या के, प्रभावी टक्करों के संख्या के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर, और यही दर दर नियतांक के भी समानुपाती होती है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों के संख्या के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर, और यही अभिक्रिया की दर दर नियतांक के भी समानुपाती होती है। तो इस दोनों को एक में सम्मिलित करेंगे स्टूडेंट, तो निश्चित तौर पर जब दर दोनों के समानुपाती है तो ये भी आपस में क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती लिखा जा सकता है। तो यहीं से हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि दर नियतांक यानी कि के अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टकरों की संख्या के कुछ भाग के समानुपाती होती है। तो यहां दर नियतांक अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टकरों की संख्या के कुछ भाग के समानुपाती होती है, ये हमने कॉन्सेप्ट यहां से निकाला। तो ये टक्कर के सिद्धांत से स्टेटमेंट आया था जो हम आपके सामने रखे, और अब अलग से यहां दोनों को एक में सम्मिलित करते हुए हमने लिख दिया कि दर नियतांक समानुपाती होगा अभिकारक अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टकरों की संख्या के कुछ भाग के। ऐसे आपके क्लास नोट्स में स्टूडेंट जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं या फिर ऐप के माध्यम से, जो हमारा ऐप है केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, वहां पर जो हमने यहां बतलाया वो भी लिखित होगा। तो देखा जाए स्टूडेंट, ये हो गया दर नियतांक के समानुपाती। अब अरहेनियस के अनुसार अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले टकरों की संख्या कुछ भाग जो है हमेशा e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी के समानुपाती होता है। ये अरहेनियस के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट का रिजल्ट है कि अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी टकरों की संख्या का कुछ भाग जो है हमेशा e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी के समानुपाती होता है। अब इस दोनों को, यानी दोनों समीकरण को एक में सम्मिलित करें तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, के समानुपाती ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये आपका समीकरण एक एवं दो को एक में सम्मिलित करने पर समीकरण नंबर तीन मिला। और आपको बता दें स्टूडेंट कि यहीं पर k इक्वल प्रोपोर्शनल का साइन यहां हटते ही, प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही एक अरहेनियस कांस्टेंट a का यूज किया जाता है, जो अरहेनियस के सम्मान में ये कांस्टेंट बनाया गया, और ये आपका अरहेनियस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है a, और ये पूरा समीकरण अरहेनियस समीकरण कहलाता है। तो यही अरहेनियस समीकरण है इक्वेशन नंबर फोर। यहां इस समीकरण में भाग लेने वाले जो जो टर्म है सबके बारे में जान लीजिए। के क्या है स्टूडेंट, तो के है दर नियतांक, जो आप अच्छे से जानते हैं दर नियतांक,
इसके बाद ए क्या है, तो यही है अरहेनियस कांस्टेंट, अरहेनियस कांस्टेंट, अरहेनियस नियतांक। इसके बाद ई एक्सपोनेंशियल ये हो गया, ईए 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 क्या है स्टूडेंट, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और उसके बाद क्या है आर, आर क्या है स्टूडेंट, गैसीय स्थिरांक, गैसीय स्थिरांक है स्टूडेंट, गैसीय स्थिरांक। और उसके बाद आपका टी ताप या परम ताप कह सकते हैं। तो ये है समीकरण एक और दो को सम्मिलित करने से प्राप्त हुआ अरहेनियस समीकरण। अब हम इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट, समीकरण चार फ्रॉम इक्वेशन फोर, समीकरण चार से दोनों तरफ लॉग लेने पर, इसका बेस स्टूडेंट याद रहे ई है, यानी बेस टेन वाला नहीं है, जो आप अक्सर लॉग टेबल इस्तेमाल करते हैं वो बेस टेन होता है, ये लॉग बेस ई है, लॉग ई, लॉग एम इंटू एन पर। इसका यूज करते हुए एम, लॉग एम इंटू एन का यूज करते हुए स्टूडेंट आपको बता दें यहीं पर, लॉग एम इंटू एन बराबर स्टूडेंट क्या होता है, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। तो इसका यूज करते हुए यहां क्या लिखा जा सकता है, लॉग ई के इक्वल लॉग ई ए प्लस लॉग ई लॉग बेस ई माइनस ई ए बाय आर टी। अब यहां पर स्टूडेंट आप एक फॉर्मूला जानते हैं लॉग का, लॉग एम पावर एन इक्वल लॉग एम पावर एन इक्वल एन लॉग एम होता है स्टूडेंट, एन लॉग एम। तो यहां एम ये है और एन ये पावर है, ये हो जाएगा लॉग बेस ई ए और ये हो गया आपका प्लस से माइनस, क्योंकि पावर जो है माइनस में है, ई ए बाई आर टी, ठीक है। और लॉग बेस ई यहां ये मिस्टेक से छुटा है स्टूडेंट, जो आप लिख लेंगे ये। और अब यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब इसका भी वैल्यू आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, अधिकतर मैथ में ये यूज होता रहता है, लॉग बेस ई ई इक्वल क्या होता है स्टूडेंट, वन होता है। तो यहां पर लॉग बेस ई के, अब इसका हम बेस चेंज करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अब इसका बेस चेंज करने के लिए आप लोग को हम लॉग के क्लास में बता चुके हैं कि लॉग बेस ई के जगह लॉग बेस 10 इस्तेमाल करना होता है, तो 2.303 मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग बेस 10 वाले में। तो हम यहां पर लॉग बेस 10 का यूज करने जा रहे हैं, इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये 2.303, ठीक है, लॉग यहां पर बेस अब 10 हो गया स्टूडेंट और ये हो गया ई ए बाई आर टी
इंटू वन, तो यहां 2.303 को हम कॉमन करना चाहते हैं। अगर कॉमन करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, लॉग के, अब बेस 10 आप समझेंगे अपने से, क्योंकि लॉग जो आप अक्सर यूज करते हैं उसका बेस 10 ही होता है। यहां हम 2.303 को कॉमन कर रहे हैं, माइनस ये बाई 2.303 आर टी, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और आपका फाइनल ये नहीं, ये कैंसिल होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये कैंसिल होगा। अब इसके बाद फाइनल इक्वेशन क्या आया, लॉग के इक्वल लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, ये आपका फाइनल इक्वेशन आया। अब हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इस इक्वेशन का स्टडी करने जा रहे हैं, एट T1 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग K1, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, या रेनियस कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज भी नहीं होगा, और ये 2.303 आर, और ये हो गया T1, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। और अब एट T2 केल्विन, एट T2 केल्विन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग K2 इक्वल लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी टू, इक्वेशन नंबर टू। तो ये दो इक्वेशन दो अलग अलग टेम्परेचर लेने के कारण आया। इक्वेशन वन, इक्वेशन ये हो गया स्टूडेंट कितना तक आया था 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 6। तो इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को घटाने पर क्या आ जाएगा, लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी टू माइनस लॉग ए इक्वल इक्वल नहीं बल्कि ये इसमें घट रहा है स्टूडेंट, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी टू, ठीक है। इसी को हम यहां लिख रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा इक्वेशन बड़ा है ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए, ठीक है। इक्वेशन सिक्स माइनस इक्वेशन फाइव, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग
के टू माइनस लॉग के वन और ये हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी टू माइनस लॉग ए प्लस ई ए बाई 2.303 आर टी वन। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा और इसमें से ये आ जाएगा आगे और ये पीछे क्योंकि ये पॉजिटिव है। कॉमन करते हुए लिख रहे हैं स्टूडेंट ई ए बाई 2.303 आर को कॉमन करते हुए 1 बाई टी वन पहले आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है क्योंकि ये आगे लिख रहे हैं और इसको पीछे करते हुए तब कॉमन किए और ये हो जाएगा लॉग के टू बाई के वन। और अब फाइनल इक्वेशन आने जा रहा है स्टूडेंट लॉग के टू बाई के वन इक्वल ई ए बाई 2.303 आर टी टू माइनस टी वन बाई टी वन टी टू। यही आपका फाइनल इक्वेशन है। यहां दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस यानी विभिन्न ताप पर दर नियतांक की ताप पर निर्भरता को यहां समझाया गया है। एक बार शुरू से अंत तक देख लिया जाए स्टूडेंट ये लॉग बेस ई के इक्वल लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई इन द पावर माइनस ई ए बाई आर टी लॉग एन पावर एन पर एन लॉग एम हो गया। यहाँ लॉग बेस ई इक्वल वन तो ये माइनस ई ए बाई आर टी रह गया। यहाँ टू साधारण मतलब कि बेस को चेंज किए हैं लॉग बेस ई से लॉग बेस टेन मिला है 2.303 से मल्टीप्लाई किए और लॉग बेस टेन हो गया 2.303 को कॉमन किया हमने। फाइनल इक्वेशन लॉग बेस लॉग के इक्वल लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। अब इसका इस इक्वेशन का दो टेम्परेचर पर स्टडी किया गया एक टेम्परेचर T1 और एक T2 पर दो अलग अलग इक्वेशन आया इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को घटाया गया और इस तरह फाइनल इक्वेशन आया log K2 by K1 equal EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2। तो ये था स्टूडेंट अर्हेनियस इक्वेशन दर नियतांक का ताप पर निर्भरता। थैंक यू।